तो ये पूरा बड़ा बिल्डिंग है इनका पूरा, वो सीट कौन कार है ये? अच्छा डिजायर, स्विफ्ट डिजायर। का सरकारी जॉब वाला नहीं होना चाहिए, चाहे अच्छा। प्राइवेट जॉब करता हो, खेती करता हो, कुछ भी करता हो, मुझे वो चलेगा ठीक है, कहीं से भी हो, दिल का साफ होना चाहिए। बाकी आप देख सकते हो ये मेरी बिल्डिंग है, ओए वो ओए मेरी ओए कार खड़ी थी। ओए 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 हाँ, तो लड़का सही होना चाहिए कहीं से भी हो। हाँ अच्छा जी। और पीता खाता ना हो, बस चाहे वो कितने भी पैसे मांगे, कुछ भी अमाउंट मांगेगा, मैं उसे सब दूंगी, जितने चाहिए उतने दूंगी। कार मेरी है, वो उसी की है, मेरी ऑफिस में वो खुद ही बैठेगा, और बिल्डिंग का मालिक भी वो ही कहलाएगा। यह कि कलर से गोरा हो काला हो, बस ज्यादा काला नहीं होना चाहिए, फिलहाल ठीक होना चाहिए। चाहे वो गांव से हो या कहीं से भी हो, पढ़ा लिखा हो और चाहे पढ़ा लिखा कम ही हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दिल का साफ होना चाहिए। हाँ तो अभी आ गए हैं, मैडम आ गई है यहाँ पे। हाँ जी मैडम, आप ही ने बुलाया था मैं। हाँ जी, आप कौन? मैं अभिषेक, जो कॉल से बात हुई थी। अच्छा, आपसे बात हुई थी तो हाँ, तो आप इस टाइम आ रहे हो? सॉरी मैडम, थोड़ा सा लेट हो गया था हमें आने में। क्या टाइम होता है भाई, आपको मैंने कब कॉल करा था? सॉरी बोल तो दिया ना। वैसे मैं देखो परेशानी से जूझ रही हूँ, और ऊपर से आप टाइम लगा रहे हो। मैं समझ रहा हूँ। ये कोई टाइम होता है आने का? नहीं, थोड़ा लेट हो गया इधर, ठीक है ना। मैं हाँ जी, क्या इशू है? मैं वैसे परेशानी से हूँ, मुझे जाने दीजिए, अभी आप बहुत लेट आए हो, मेरा बहुत दिमाग खराब है इस टाइम। कोई नहीं, मैं आपका परेशानी समझ सकता हूँ, आप बताओ हमें क्या इशू आ रहा है। देखो जब आप आई गए हो तो मैं इशू बता देती हूँ, क्योंकि मैं देखिए मैं हूँ एक डाइवोर्सी और मुझे एक व्यक्ति की नीड। तो मतलब मैंने इसीलिए आपसे कॉन्टेक्ट किया था, क्योंकि मुझे एक व्यक्ति की नीड, तो इसीलिए आपको परेशानी मैं आप बताई देती हूँ कि मैं हूँ डाइवोर्सी और मुझे एक व्यक्ति की नीड, और वो व्यक्ति सरकारी जॉब वाला ना हो। अच्छा, मतलब आपको, आप पहले से आपका डिवोर्स हो रखा है? हाँ जी। और आपको अभी शादी के लिए हाँ, अच्छा, एक लड़के की जरूरत है। तो कैसा लड़का चाहिए मैडम आपको? वो लड़का ठीक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अच्छा अच्छा। चाहे वो गांव से हो या शहर से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस बात ये है कि वो सरकारी नौकरी वाला नहीं होना चाहिए। सरकारी नौकरी वाला नहीं होना चाहिए, क्यों, ऐसा क्यों? वो मेरा ये पर्सनल मामला है, मैं वो आपको शेयर नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है। तो वो जो लड़का है वो सरकारी नौकरी ना करता हो, चाहे वो खेती करता हो, कहीं भी जॉब करता हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अच्छा। हाँ चलो, वो तो मैं समझ रहा हूँ, बट मेरी फैमिली देख रही है, मेरी मेरा चैनल है, मेरी फैमिली देख रही है, ठीक है ना, मेरी यूट्यूब फैमिली है, फेसबुक फैमिली है। अच्छा। तो आप क्या थोड़ा सा रिवील कर सकते हो कि आपके साथ क्या इशू है, कि आप ऐसे बता रहे हो कि आपको गवर्नमेंट सरकारी नौकरी वाला लड़का नहीं चाहिए? देखो वो मेरा पर्सनल मामला है, मैं आपसे अभी शेयर नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, अच्छा। बल्कि मैं इस परेशानी से बहुत गुजर रही हूँ, क्योंकि मैं हूँ अकेली। अच्छा। मैं मेरा डाइवोर्स हुए एक डेढ़ साल हो गए हूँ, तो इस टाइम मैं अकेली हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं, क्योंकि अच्छा, मेरा जो हस्बैंड था अच्छा, उसने मुझे बहुत परेशान करके मुझे छोड़ा है। अच्छा, मैंने खुद ही उसे डिवोर्स दिया। यानी हम ये बोल सकते हैं कि वो जो पहला आपका जो हस्बैंड था वो सरकारी जॉब वाला था? जी, वो सरकारी जॉब वाला ही था, इसीलिए मुझे थोड़ा सा दिमाग में वो भर गई है बात कि मुझे सरकारी जॉब वाला चाहिए ही नहीं है। कोई नहीं, थोड़ा सा बता दो मेरी फैमिली को कि आपके साथ क्या इशू आ रहा था। मेरे साथ ये इशू आ रहा था कि जो मेरा हस्बैंड था वो था सरकारी जॉब वाला, इसीलिए मैंने मतलब मेरे परिवार वालों ने उससे मेरी शादी कर दी। लड़का कमाता खाता है अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो इसीलिए घर बार भी उसका सब ठीक है, तो मेरी शादी कर दी। अब ऐसा पता थोड़ी था कि सरकारी नौकरी करता है पर उसका दिल तो बहुत गंदा है। अच्छा अच्छा। हाँ और क्या मतलब, ऐसा क्या हुआ मतलब? चलो मतलब थोड़ा सा बताओ, और काम करो ना मैडम, आप आपका जो बिल्डिंग है आप बोली चोदी दिखाने के लिए, तो आप चलो उसे दिखा लो, ताकि हम क्या चलने की जरूरत नहीं है। आप मेरी बिल्डिंग के सामने खड़े हैं, देख लीजिए ये मेरी बिल्डिंग है। ओ हाँ, यहाँ से लेकर ये सारी मेरी बिल्डिंग है। ओए होए होए, ओ तेरी, ये तो बहुत बड़ा बिल्डिंग है मैडम। हाँ जी। ये अभी का ये मेरा है पूरा वहाँ तक, वो सीट और वो मेरी कार खड़ी है। अच्छा जी, ये इनकी कार है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये लो और कार है मेरे पास, आ जाओ इधर। तो इनकी ये कार है, कौन कार है ये? अच्छा डिजायर, स्विफ्ट डिजायर।
आपने देख ही लिया होगा कि मेरी बिल्डिंग इतनी है, ये मेरी कार है, मेरे पास पैसा बहुत है, उसे मैं किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। हाँ, मेरे साथ चाहे वो साथ में, मतलब मैं बिजनेस करती हूँ, मेरे साथ बिजनेस भी करेगा। अच्छा, आपका बिजनेस भी है? हाँ जी, मेरी कुर्सी पर ही बैठेगा वो। अच्छा अच्छा, बिजनेस में साथ ही करेगा, और चाहे जिस जितने पैसे वो मांगेगा मैं उसे उतने पैसे दूंगी। अच्छा अच्छा, चाहे चेक पे जितने लिखवा ले मैं उतने लिख दूंगी, अपने हाथ से ही भर लेगा वो। अच्छा अच्छा, जितने पैसे की मांग करेगा मैं पूरी दूंगी। तो ऐसा तो नहीं है ना कि अगर शादी के बाद आपको, मतलब शादी हो जाए फिर आप बोलो कि ऐसा वैसा, अगर अगर कोई कोई भी अगर कमेंट करता है आपसे शादी करने के लिए? हाँ जी। तो इग्नोर तो नहीं करोगी ना आप? नहीं नहीं नहीं, मैं, मुझे इग्नोर करना होता तो मैं आपको बुलाती। अच्छा, आपका फेयर मतलब कोई लड़का का कलर वगैरह भी कुछ रिक्वायरमेंट है आपको? नहीं, मुझे कलर से तो कोई मतलब नहीं है, मतलब मुझे ये इशू नहीं है कि कलर से गोरा हो काला हो, बस ज्यादा ही काला नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा, फिलहाल ठीक होना चाहिए। हाँ, चाहे वो गांव से हो या कहीं से भी हो। अच्छा, पढ़ा अच्छा, लिखा हो और चाहे पढ़ा लिखा कम ही हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दिल का साफ होना चाहिए। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो आपके साथ ऐसा ही, और मतलब एक बार थोड़ा सा बता देती है और कि ऐसा मतलब डिवोर्स किस कारण से हो गया? छोड़ो, वो आपकी पर्सनल मामला थी, वो हम नहीं जानना चाहते। जो भी चाहिए उसे वो ले लेगा। अच्छा, मैं किसी चीज़ की कमी नहीं करने दूंगी उसे। अच्छा, हाँ जी। तो जिसको जो भी ये वीडियो देख रहे हो आप, ठीक है ना, अगर आप सरकारी जॉब नहीं करते हो, ठीक है, तो आप कमेंट करो, ठीक है ना। बाकी जो भी आप देखना मेरे फेसबुक से या यूट्यूब से, मेरा ईमेल आईडी निकाल के आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैडम को मैं कांटेक्ट करवा दूंगा। आप अगर कुछ कहना चाहते हो तो बताओ फैमिली। हाँ जी, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, जो भी लड़का हो जहाँ से भी हो जी, अच्छा होना चाहिए, और जहाँ से भी हो वो कमेंट करे, कमेंट बॉक्स में अपना नंबर पता नाम लिख दे, मैं आपसे कॉन्टेक्ट कर लूँगी सर। अच्छा, वो आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे, फिर अच्छा, आपको कांटेक्ट मैं कर लूँगी। ओके जी। तो ये रहा इनका पूरा प्रॉपर्टी, ठीक है, ये फ्लैट, इनका बिल्डिंग पूरा, वो सीट, तो सीट सीट, तो ये पूरा बड़ा बिल्डिंग है इनका पूरा, वो सीट। चलो तो मैडम, ठीक है, आपसे हम मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे भी कुछ ऐसा कुछ होता है जी, वैसा मैं बताऊँगा आपको। हाँ जी, ठीक है, आप ओके, थैंक यू।